नमस्कार, मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम बात करेंगे भावनगर रियासत की। आज जब हम भारत की प्रगतिशील रियासतों की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं ट्रावणकोर की, मैसूर की, बड़ौदा की, बीकानेर की। पर सच बात तो यह है कि सौराष्ट्र की जो भावनगर रियासत थी, वो भारत की सबसे वेल एडमिनिस्टर्ड और प्रगतिशील रियासतों में से एक थी। और यही महत्व है भावनगर रियासत का। भावनगर रियासत की कहानी शुरू होती है गुहिल राजवंश के साथ। ये जो गुहिल राजवंश है, वो एक राजपूत राजवंश है। और इतिहास में हमें अर्लीस्ट नोन रेफरेंस इस गुहिल राजवंश का मिलता है इन समथिंग नोन एज द मंगरोल इंस्क्रिप्शन करके। मंगरोल जो जूनागढ़ के पास एक जगह है, वहां पे एक शिलालेख मिला है और उसमें हमें एक रेफरेंस मिलता है 1145 CE का। उसमें लिखा गया है कि मूलक नाम के एक व्यक्ति थे, हु वाज अ कमांडर ऑफ द चालुक्यस, जो अहिल्यवाड़ पाटन के जो चालुक्य राजा थे उनके एक कमांडर थे। और उन्होंने सोमनाथ जो एक टेम्पल टाउन था, वहां पर एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। जो मेन सोमनाथ मंदिर है वो नहीं, पर एक और एक छोटा सा मंदिर। तो ये एक पहला रेफरेंस हुआ गुहिल राज परिवार का। और बाद में भी कई शिलालेख हमें मिले हैं जो गुहिलों के अलग अलग जगहों पे सौराष्ट्र में। पर भावनगर का जो गुहिल राज परिवार है, उसका ओरिजिन जाता है जो राजस्थान का जो मारवाड़ रीजन है, वहां पर ये परिवार पहले बसा हुआ था। और हमें ये रेफरेंस इतिहास में मिलता है कि अराउंड 1240 और 1290 के बीच में ये जो गुहिल परिवार है, और इस गुहिल परिवार के एक सदस्य थे सेजक जी, तो वो काठियावाड़ इस रीजन में आए और उन्होंने सेजकपुर करके एक जगह है, वहां पर अपना राज्य स्थापन किया। आज इस सेजकपुर को रानपुर कहा जाता है और वो भी आगे चल के एक रियासत हुआ करती थी। और एक इंटरेस्टिंग बात इस गुहिल राज परिवार की ये है कि जो चित्तौड़गढ़ का जो ओरिजिनल राज परिवार था, वो गुहिल डिनेस्टी ही था। रानी पद्मिनी और राव रतन सिंह की कहानी, तो रानी पद्मिनी और जो राव रतन सिंह थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के इन्वेजन से पहले यहाँ पर गुहिलों का ही राज था। और फिर उसके बाद जो एक उनका जो सब ब्रांच था सिसोदिया, जो आज भी वहां पर राज करते हैं, वो गद्दी पर आए। तो ये जो गुजरात में राव सेजक जी थे, उनके फिर कई बेटे थे, उन्होंने आगे चल के अपने अपने राज्य बसाए, जैसे कि पालीताना रियासत हो गया, लाठी रियासत हो गया। ये जो राव सेजक जी थे, उनके जो ग्रैंडसन थे वो थे मुकड़ाजी गोहिल, जो गुजरात के इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। और उन्होंने अपना राज्य बसाया जो गल्फ ऑफ खंबाट के पर है, एक पीरम आइलैंड करके है, तो वो पीरम आइलैंड पर उन्होंने अपना राज्य बसाया। और अगर आप देखें तो गुजरात ट्रेड, मैरिटाइम ट्रेड और कॉमर्स का एक हब रहा है। तो जो मुकड़ाजी गोहिल का ये जो पीरम आइलैंड का एक राज्य था, वो काफी समृद्ध था, क्योंकि वहां पे ट्रेड और कॉमर्स काफी होता था। तो नजर पड़ी जो दिल्ली के सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक की, और उन्होंने एक 1347 में एक बड़ी फौज लेकर जो पीरम आइलैंड है, पीरम बेट जो हम कहते हैं, उस पर हमला किया। मुकड़ाजी गोहिल मारे गए उस लड़ाई में और उनका राज्य खत्म हो गया। इंटरेस्टिंगली जो मुकड़ाजी गोहिल है, वो ब्याहे थे जो गुजरात का जो राज पिपला है, वहां पर परमारों का राज हुआ करता था, और तो वहां की राजकुमारी से वो ब्याहे थे। और उनके जो छोटे बेटे थे, वो फिर अपने जो ननेहाल है, जो देव छत्र और फिर आगे चल के राज पिपला हुआ, वो वहां पर आए और फिर वहां का राज संभाला। और ये जो मुकड़ाजी गोहिल के जो वंशज है, वो उन्होंने जो छोटे बेटे के वंशज है, उन्होंने राज पिपला रियासत पर राज किया।
जो बाकी बेटे थे वो भी फिर अपने अपने उन्होंने जो काठियावाड़ सौराष्ट्र में अपने अपने राज्य बसाए। भावनगर की अगर हम देखें तो कहानी शुरू होती है 1720s में। तब जो महाराजा भाव सिंह द फर्स्ट है वो सीहोर के राज पर राज कर रहे थे, और ये वही समय था जब बाजीराव पेशवा जो थे वो उनके अंडर जो मराठास थे वो बाकी भारत भर में एक्सपैंड कर रहे थे। जैसे कि सिंधिया, होलकर, पवार मालवा में आए, वैसे ही पिलाजीराव गायकवाड़ और कंथाजी कदम बांडे उन्होंने गुजरात पर हमला किया। तो पहले उन्होंने ये जो राजपिपला, बड़ौदा, ये सारे जो बालासनोर, ये सारी एरियाज कैप्चर किए, और फिर उनके हमले जो सौराष्ट्र, काठियावाड़ सौराष्ट्र है उस रीजन पर होने लगे। तो जब ये मराठों के हमले गुहिलवाड़ रीजन पर हुए तब महाराजा भाव सिंह द फर्स्ट को लगा कि मुझे अपनी राजधानी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर शिफ्ट करनी चाहिए जहां से मैं उसे आसानी से डिफेंड कर सकूं। तो उन्होंने 1720s में ही अपनी एक राजधानी एक नई जगह पे शिफ्ट की, जहां पर उन्होंने एक नगर बसाया और अपने नाम से वो भावनगर कहलाया जाने लगा। अब भावनगर जो है वो समुन्दर के करीब था, गोगा पोर्ट है उसके करीब था, और उसकी वजह से बहुत ही जल्द वो एक बहुत ही अमीर ट्रेडिंग टाउन के तौर पर उभरने लगा। जो महाराजा भाव सिंह है उन्होंने जो सिद्दीज थे जो मैरिटाइम ट्रेड कंट्रोल करते थे उनके साथ उन्होंने नेगोशिएट करके एक सेटलमेंट किए थे। उन्होंने व्यापारियों को यहाँ पर बसाने के लिए उन्होंने एनकरेजमेंट दी, उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स के लिए प्रोत्साहन के लिए टैक्स एग्जेम्पशंस हो या एक सिक्योरिटी, आपको अगर व्यापार करना है तो एक सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, तो वो एक लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आकर इस नए शहर में बसे, तो उसके लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया। तो धीरे धीरे जो महाराजा भाव सिंह के टाइम पर ही जो गुहिलों का एक छोटा सा जो सीहोर का राज था वो एक इम्पॉर्टेंट भावनगर राज्य के तौर पर उभरने लगा। उन्होंने जो आसपास के जो छोटे छोटे जो रियासतें थी वो अपने भावनगर राज्य में विलीन की, और उस उन्हीं के टाइम पे भावनगर राज्य का एक बड़ा विस्तार हुआ। आगे चल के 1807 में जब वॉकर सेटलमेंट हुआ, जब बड़ौदा के गायकवाड़ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ट्रीटी हुई, तब ये जो सौराष्ट्र की जो रियासतें थी जैसे कि जामनगर, गोंडल, मोरवी, भावनगर, जूनागढ़, ये सारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गई। और फिर उन्होंने जो ब्रिटिश है उन्होंने एक सेपरेट ट्रीटीज इन गुजरात स्टेट्स के साथ की, तो उसके बाद जो भावनगर है इट बिकेम अ वैसल स्टेट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। पर अगर आप देखें तो जो मेकर ऑफ मॉडर्न भावनगर है वो थे महाराजा तख्त सिंह जी, जो 1817 में भावनगर की गद्दी पर बैठे। अब महाराजा तख्त सिंह जी जो थे वो बहुत छोटी उम्र में भावनगर के राजा बने थे, और पढ़ाई के लिए उन्हें जो राजकुमार कॉलेज है जो राजकोट में है वहां पर उन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया था। इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द राजकुमार कॉलेज एट राजकोट। और अंग्रेजों का एक उस समय एक सिस्टम हुआ करता था, उन्होंने मेयो कॉलेज है अजमेर में, दिल्ली कॉलेज है इंदौर में, तो वो चाहते थे कि ये जो प्रिंसेस हैं वो कम उम्र से ही एक हमारे एक यूरोपियन सिस्टम में, एक ब्रिटिश सिस्टम में पढ़े लिखे, ताकि वो उनका एक वर्ल्ड व्यू बड़ा हो जाए और वो अच्छे से एडमिनिस्टर कर सके। और महाराजा तख्त सिंह जी के कार्यकाल को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि अंग्रेजों का एक ये एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ। भावनगर और महाराजा तख्त सिंह जी के जो प्रोग्रेसिव और प्रगतिशील होने का कारण ये भी था कि उनके दीवान थे गौरी शंकर ओझा, जो भी उन्हें बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो जब महाराजा तख्त सिंह जी भावनगर की राजगद्दी पर बैठे 1817 में, तो कुछ ही साल बाद 1878 में यहाँ पर बहुत बड़ा अकाल आया। तो लोगों को
एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उन्होंने भावनगर रेलवे लाइन की स्थापना की, और आगे चल के फिर वो भावनगर गोंडल लाइन, भावनगर वडावा लाइन, और ऐसे एक कनेक्शंस उसके होने लगे। और आगे चल के अगर हम देखें तो ये बोलते हैं ना कि एक जड़े बोना, तो प्रोस्पेरिटी की जो सीड्स थे वो महाराजा तख्त सिंह ने रेलवेज के थ्रू बोए थे, और आगे चल के जो 20वीं शताब्दी है उसमें भावनगर भारत की सबसे अमीर रियासतों में से एक हुआ, और उसका कारण था द रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू द रेलवेज। तो भावनगर के इतिहास में भावनगर स्टेट रेलवे ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाराजा तख्त सिंह ने एक मॉडर्न, इनफैक्ट सौराष्ट्र का वो सबसे मॉडर्न हॉस्पिटल था ऑफ इट्स टाइम, सर तख्त सिंह जी हॉस्पिटल, आज उसे सर टी हॉस्पिटल कहा जाता है, उसे बनवाया भावनगर में। उन्होंने स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले, उन्होंने श्यामल दास कॉलेज है भावनगर का प्रसिद्ध, वो भी खोला। उनके दीवान थे श्यामल दास, दीवान श्यामल दास के नाम पे ये खोला गया था, और इनफैक्ट महात्मा गांधी कुछ समय तक श्यामल दास कॉलेज में पढ़े थे। और इवन औरतों के डेवलपमेंट के लिए, औरतों के शिक्षा के लिए, उनके हेल्थ केयर के लिए भी महाराजा तख्त सिंह जी ने बहुत काम किया। 1896 में महाराजा तख्त सिंह जी के बेटे महाराजा भाव सिंह जी द सेकेंड राजगद्दी पर बैठे, और जो पिता का जो अच्छा कार्य था उन्होंने जो किया था उसे महाराजा भाव सिंह जी अगले लेवल पर लेके गए। महाराजा भाव सिंह जी जो थे वो एक स्कॉलर थे आयुर्वेद पे, उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी, उन्होंने आयुर्वेद के प्रमोशन के लिए काफ़ी काम किया। वो खुद, जैसे कि मैंने कहा, आयुर्वेद के स्कॉलर थे, उन्होंने ट्रांसलेशन, किताबों का ट्रांसलेशन किया, वो ग्रेट, एक बहुत ही एजुकेटेड और लर्नड आदमी थे। आगे चल के उन्होंने जो दलित हैं, तो दलितों के वेलफेयर के लिए भावनगर वॉज वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स जहाँ पर, बड़ौदा के अलावा, जहाँ पर दलितों के वेलफेयर के लिए बहुत काम हुआ महाराजा भाव सिंह जी के अंडर। महाराजा भाव सिंह जी ने एक लोगों की एक रिप्रेजेंटेटिव की डेमोक्रेसी हो, इसलिए भावनगर में एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बनाई। फिर जो क्या होता था उस समय कि जो फार्मर्स हैं, जो एग्रेरियन लोग हैं, तो जो साहूकार हैं वो उन्हें बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, कि जो ब्याज का रेट होता था वो बहुत हाई रेट का होता था, तो उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने भावनगर दरबार बैंक की भी स्थापना की। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब भावनगर ने जो ब्रिटिश एम्पायर है उसकी बहुत सहायता की, और जिसकी वजह से महाराजा भाव सिंह जी को अंग्रेजों ने काफ़ी ऑनर्स भी प्रदान किए। अनफॉर्चुनेटली महाराजा भाव सिंह जी द सेकेंड है, उनका निधन 1919 में हो गया, और गद्दी पर आए उनके बेटे महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी, जो सिर्फ 7 साल की उम्र की थे। अब भावनगर का एक सौभाग्य ये था कि जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर, जो दीवान होते थे, वो बहुत अच्छे दीवान मिले भावनगर को। तो जैसे गौरी शंकर ओझा थे, उसके बाद दीवान श्यामल दास थे, वैसे ही सर प्रभा शंकर पटनी भी एक बहुत अच्छे दीवान थे, एंड ही वॉज द मेंटोर टू महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी। तब महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी के कार्यकाल में भी भावनगर में काफ़ी काम हुआ, और जैसे कि जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली है तो उसे धारा सभा कहा जाता था, तो उसे स्ट्रेंथन किया गया। यहाँ पर जो रेलवेज है उसे एक्सपैंड किया गया, गोगा का जो बंदर है ताकि जो माल डायरेक्टली गोगा पोर्ट में उतर सके, तो उसे स्ट्रेंथन किया गया, स्कूल्स कॉलेजेस को एक्सपैंड किया गया। और महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी है, उनके महात्मा गांधी और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो फ्रीडम मूवमेंट है, उसके साथ भी उनके क्लोज रिलेशनशिप रहे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने अपनी जो भावनगर रियासत है उसे सौराष्ट्र यूनियन में विलीन कर दिया। तो जो जामनगर, गोंडल, राजकोट और ये जो सारी रियासतें थी वो सब विलीन करके सौराष्ट्र यूनियन बना।
उसके बाद 1948 में, क्योंकि महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है भारत की आजादी के लिए जो लीडर्स फाइट कर रहे थे उनके साथ उनके इतने अच्छे संबंध थे और उन्हें काफी मदद भी की थी, तो वो ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ मद्रास। आगे चल के वो उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वो सोशल वर्क करते रहे। उन्होंने काफ़ी जो स्वतंत्र भारत में भी जो काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल उनको डोनेशंस दिए, अच्छा काम किया। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी के निधन के बाद उनके बेटे और फिर पोते उन्होंने भावनगर राज परिवार की बागडोर संभाली। आज जो राज परिवार है वो भावनगर में रहता है, उनका नीलम बाग पैलेस होटल है और जो भावनगर के जो जो सोशल और कल्चरल फंक्शंस हैं उसमें राज परिवार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनफैक्ट यू नो भावनगर का राज परिवार आज भी वहाँ की जनता में काफ़ी पॉपुलर है। तो ये थी कहानी भावनगर रियासत की।